ठीक है, ग्रेट ग्रेट, यस सर, ओके, चलो बहुत बढ़िया, गुड टू हैव यू बैक विद दिस इनिशियल हिकअप. तो जिन्होंने मिस किया तो उनको ये बताना चाहता हूँ, वी हैव यू नो शनि देवता हु हैज बीन ब्लेसिंग अस. इनफैक्ट ही हैज बीन ब्लेसिंग द एंटायर वर्ल्ड फॉर द लास्ट मेनी मंथ्स एंड हियर विद अस इन अ स्मॉल वे. हमें उन्होंने ब्लेस किया कि आपका इंटरनेट उड़ा दिया, तो उन्होंने हमारा इंटरनेट निकाल दिया एंड वी आर स्ट्रगलिंग विद आर टेलीकॉम सर्विसेज टू गिव अस दिस फैसिलिटी. लेकिन जो भी है बढ़िया है, दिस टू शैल पास एंड दिस इज ऑल्सो गुड. इसका भी कुछ कारण होगा, बिकॉज वी आर मैक्सिमाइजिंग आर रिसोर्सेज. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट एवरीथिंग इज गुड. सम ऑफ यू आई नो यू, बहुत सारे हैं जिन्होंने जिनको मैं जानता हूँ, जो मुझे मिले हुए हैं, जो मैं नाम पढ़ रहा हूँ यहाँ पर. एंड सम ऑफ यू आई डोंट नो यू, बट मे बी यू हैव हर्ड अबाउट मी और यू आर माई फेसबुक फ्रेंड और यू आर फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज. हाई एवरीबॉडी, एडलिना हाई, यस वी आर ऑल सेट टू एंड वी आर ऑल गुड टू गो. गुड इनफ. चलो चालू करते हैं आज का सेशन. एंड बीच बीच में यू कैन कीप ऑन, आई एम वॉचिंग योर कमेंट्स ऑल्सो. मैं ऐसा थोड़ा चेहरा नजदीक लाऊंगा, आई विल वॉच योर कमेंट्स. तो कीप ऑन शेयरिंग योर फीडबैक एंड योर व्यूज एंड योर अंडरस्टैंडिंग जो मैं बात करूंगा. अगर पकड़ में आ गई तो फिर आप जरा सा डालिएगा, तो आई कैन रीड इट आउट फॉर यू ऑल्सो. मैंने पिछले 20-22 दिनों में, स्पेशली द लास्ट 17 डेज जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, जितनी कहानियां मैंने रिकॉर्ड करी हैं, मैंने कभी नहीं करी. यू नो एवरी डे देर हैज़ बीन अ स्टोरी, देर हैज़ बीन अ कपल ऑफ स्टोरीज जिनको मैंने रिकॉर्ड किया है, जिनको मैंने लोगों को सुनाया है, पहुँचाया है. सो इट हैज़ बीन वीक्स ऑफ स्टोरीज नाउ एट अ स्ट्रेच. और मुझे लगता है कि ये स्टोरीज का एक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा मुझे हिट किया. पहले भी इन माई प्रोग्राम्स आई वुड टॉक अबाउट स्टोरीज, आई वुड शेयर अ लॉट ऑफ वंडरफुल स्टोरीज फ्रॉम द लाइव्स ऑफ मी पीपल जिनको मैंने सुना है, पढ़ा है, सम फेबल्स, सम कहानियाँ हैं बचपन की जो हमने सुनी हैं सबने, और कुछ कहानियाँ मेरी लाइफ की जो थोड़ी बहुत कहानियाँ बन गई हैं, तो मैं वो सुनाता था. और पिछले 15-20 दिन से तो मैं काफ़ी सुना रहा हूँ वो कहानियाँ. आई थिंक स्टोरीज आर गुड, दे आर गुड इन टर्म्स ऑफ दे कीप, दे ब्रिंग द कॉन्टेक्स्ट, एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट, एक अच्छा संदर्भ बनाती हैं कहानियाँ. और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक संदर्भ बनाती है, बहुत जल्दी एक कॉन्टेक्स्ट को लाती हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा उसके इनडेप्थ जाके फिर वो सब्जेक्ट को बताना नहीं पड़ता. आई थिंक स्टोरीज दे मेक द सब्जेक्ट वेरी सिंपल एंड दैट्स व्हाई दे स्टे विद अस. और कहानियाँ रहती हैं हमारे पास लंबे समय तक, दे एंगेज द ऑडियंस, दे एंगेज द लिसनर. तो इसलिए कहानियाँ ज़रूरी हैं, कहानियाँ अच्छी हैं. और आपको क्या लगता है कि कहानियाँ क्या करती हैं आपके लिए, जब आप कहानी सुनते हो? मे बी यू कैन की इन देयर, मे बी आई रीड इट आउट फॉर यू. अगर कुछ अच्छे पॉइंट्स होंगे तो मैं वो भी आपको बोलूँगा कि कहानियाँ आपके लिए क्या करती हैं. दे कैन कीप यू एंगेज, दे कैन कीप यू, दे मेसमराइज यू, दे गो डीप इनसाइड, यू नो दे आर एंटरटेनिंग. आई डोंट नो आपके लिए क्या करती है. मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़ा अच्छा वो एक प्लेटफॉर्म बनाती हैं टू शेयर अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इन अ वेरी सिंपल वे, ऐसा मुझे लगता है. तो मे बी यू कैन इफ यू वॉन्ट टू की इन, देन आई विल रीड दैट. सो दे गिव लॉट ऑफ इंस्पिरेशन. ओके, सम ऑफ यू हैज सेड, बलराज सेड इट, दे गिव इंस्पिरेशन. कुंदूत सेज दे कनेक्ट इमिडिएटली, वाव. ऐश्वर्या सेज दे इंस्पायर, राइट. श्रेयस ऑल्सो सेइंग दैट दे इंस्पायर, एंड दैट्स व्हाट स्टोरीज डू, दे कनेक्ट अ लॉट. यस, दे डू कनेक्ट विद अस इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. कहानियाँ हमसे कनेक्ट कर जाती हैं. स्टोरीज कनेक्ट विद अस रियल टाइम लिविंग. And then we have, okay, so a lot of you have this point that they connect and they go deep, deep inside. Wow. So this is what stories do. So aaj bhi main aapko stories sunaunga. So aaj bhi kuch to ek aadh do kahaniyan hongi. But before I build on the subject, before I share with you a few stories, jis situations hum guzar rahe hain, jo situation mein hum log hain, and we know where we are. You have been reading a lot. Aap log ke paas to aapke khabri hain. Your WhatsApp, your friends and your groups and whatever you're reading. So aapko shayad itni information hai jitni aaj tak pehle kabhi thi nahi is bimari ke bare mein. Bimari ka koi ilaaj hai ki nahi, we are anywhere close to any kind of vaccination or any kind of cure.
सो यू नो अ लॉट मोर. इनफैक्ट कल मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड है, उनका मुझे मैसेज आया अबाउट वन आर्टिकल. सो आई सेंड दिस आर्टिकल टू अ फ्यू डॉक्टर फ्रेंड्स ऑफ माइन हियर इन पुणे. दे सेंड मी देयर अंडरस्टैंडिंग. तो मैंने ऐसे हंसते हंसते उनको बोला कि अरे यार, ये सब पढ़ के लग रहा है कि मैं भी डॉक्टर बन गया हूँ. तो हम सबके पास अपनी अपनी खबरें हैं, अपनी अपनी एक क्लैरिटी है कि हम लोग कहाँ हैं, सिचुएशन क्या है. बट द फैक्ट एंड द बॉटम लाइन इज दैट दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स, दीज आर शैटरिंग टाइम्स, दीज आर वेरी डिमांडिंग टाइम्स. एंड जैसे मैंने एक कहानी में बोला था, कल परसों की कहानी में अपनी बोला था कि दिस इज गुड, दिस इज गुड बिकॉज ये जो डिमांडिंग टाइम्स हैं, तो ये डिमांडिंग टाइम्स मतलब दे डिमांड फ्रॉम अस, एंड दे डिमांड फ्रॉम अस बिकॉज देर इज समथिंग इन अस विच वी हैव नॉट गिवन, विच वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड, विच वी हैव नॉट थॉट अबाउट. तो शायद ये डिमांडिंग टाइम है, हमसे कुछ डिमांड कर रही है. आई विल मेक इट ऑल द मोर सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू. आप देखो ना, आप में से कुछ लोग जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, या सम ऑफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, सम ऑफ यू हैव सीन पीपल इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट. तो आप देखो, आप किसी से भी बात करो जो इन्वेस्टर होगा, तो वो आपको बोलेगा कि पैसा वही कमाता है इन्वेस्टर जो उस समय इन्वेस्ट करता है जब स्टॉक्स बड़े डाउन होते हैं. जैसे इस समय अभी मार्केट डाउन है, तो बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया. वी डोंट नो वेदर इट विल गो डाउन फर्दर और इट विल गो अप, वी डोंट नो. बट देर आर स्मार्ट प्लेयर्स, दे आर वेरी स्मार्ट प्लेयर्स हु सेव देयर बेस्ट रिसोर्सेज. मेरी बात को ध्यान से सुनिए, दे आर वेरी स्मार्ट प्लेयर्स who save their best resources. Best मतलब उनका काफी अच्छा पैसा वो लोग बचा के रखते हैं to invest during these low market times. कि जब market low होगा, नीचे आएगा, तब हम invest करेंगे. तो मैं चाहता हूँ कि चाहे आप investor हो चाहे ना हो, whether you invest in stock market, whether you are financially capable, not capable, उसको आप side में रखिए, लेकिन इस concept को समझिए. मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने stock market वाला concept को ध्यान में रखा, तो जब लो मार्केट होता है तो बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट मनी, ऑसम अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड बाय स्मार्ट इन्वेस्टर्स इन दैट स्टॉक मार्केट. तो मैं कह रहा हूँ उसी को अपनी लाइफ में लेते हैं ना. अभी कि अभी लाइफ जो है बिजनेस वाइज लो है, अभी सोशल कनेक्ट वाइज लो है, अभी इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी वाइज लाइफ लो है बिकॉज वी कांट सी बियॉन्ड अ फ्यू डेज. अभी सिक्योरिटी वाइज लाइफ लो है, लाइफ सिक्योरिटी वाइज लो है कि हमारी फ्यूचर लाइफ की सिक्योरिटी भी हमें समझ नहीं आ रही है. सो बहुत एरियाज में लाइफ लो है. तो अगर हम स्मार्ट इन्वेस्टर हैं या स्मार्ट इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि दिस इज द टाइम व्हेन वी इन्वेस्ट आवर बेस्ट रिसोर्सेज इन दिस स्लो टाइम्स. तो बेस्ट मतलब बेस्ट कॉन्फिडेंस, बेस्ट मतलब बेस्ट हौसला, बेस्ट मतलब आपके अंदर का बेस्ट तजुर्बा, आपके अंदर की बेस्ट काबिलियत अभी निकालने का समय आ गया है. दिस इज टाइम टू इन्वेस्ट. सो यू ब्रिंग आउट द बेस्ट व्हेन द सिचुएशन बिकम्स वेरी डिमांडिंग. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिमांडिंग ना, कि वो आपसे डिमांड कर रही है कुछ तो और दो, कुछ तो और दो. तो ये सिचुएशन हम सबके लिए बड़ी डिमांडिंग है, ये बात पक्की है. तो डिमांडिंग है तो फिर देना चाहिए. दैट्स हाउ इट इज. सो ये सारी जो कहानियां पिछले 16-17 दिन से मैं आपको सुना रहा हूं, अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग एस्पेक्ट पे, इट्स ऑल अबाउट दैट. Through these stories, can we ask ourselves to give a bit more. और कुछ लोग का मुझे कल questions आए. कल I took a webinar on business side, so a lot of people had questions there. और वैसे भी normal questions होते हैं, सर ये कब तक देंगे, मतलब how long do you think we should give our best. And थोड़ा सा थकान नहीं होती, थोड़ा सा हताश नहीं होता इंसान. तो मेरे पास तो एक ही answer, I don't know. जितना आपको मालूम है शायद उतना मुझे मालूम है about how long, how far this whole thing will go. तो मेरे एक ही आंसर है आप सबको, और कुछ जो लोग मुझे जानते हैं तो आपको तो बिल्कुल ही मालूम है मेरा आंसर क्या है, ये कब तक करने का है अपने को. तो ऐसा हाथ फैलाइए और बोलिए, जब तक है जान. तो जब तक है जान, तब तक अपने को ये हमें फुलफिल करनी पड़ेगी डिमांड नेचर की, सिचुएशन की, दुनिया की, दैट वी हैव टू गिव आर बेस्ट. एंड द बेस्ट इज टू रिजर्व फॉर लो टाइम्स. विद दिस इज अ बैकग्राउंड, लेट्स अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट. सिंपल है, और शायद अगर ये समझ में आ गया जो सिंपल है, और मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय तक आपके साथ ये कंटिन्यू करेगा. इफ यू वुड टू सी लाइफ इन द वे लाइफ इज, तो आप देखोगे कि लाइफ हैज बीन ऑलवेज अबाउट सर्वाइवल. लाइफ हैज ऑलवेज बीन अबाउट फाइट बैक.
life has always been about perseverance. Life has always been about going beyond and adapting. तो चाहे आप पूरे शुरुआत से go back to evolution time. तो तब से देखो आप single cell amoeba से लेके वो evolution हुआ and अगर हम उस theory को समझते हैं मानते हैं so we evolved. And it, evolution is all about adapting to a changing scenario, to the changing world. और जो adapt नहीं कर पाए, वो प्रजातियाँ, वो प्राणियाँ, वो species लुप्त होती गईं. They started disappearing from the world. So whether it be dinosaurs, whether it be other different kind of species, ये सब लुप्त हो गए because they could not adapt. और जो adapt होते रहे, वो जीते रहे. And that's how the whole, where we are today. तो अगर आप life को देखोगे, तो life by nature itself, life by its own internal उसका makeup इतना ऐसा है कि वो survive ही करती है या survive करने के लिए बहुत हाथ पर मारती है. अब मैं ये I'm not talking about humanity, I'm not talking about human life, I'm talking about life itself. For example, बारिश आती है या तूफान आता है, आप देखो कि तूफान आया और कुछ पेड़ गिर गए, uproot हो गए, सड़क पे गिर जाते हैं. हम देखते हैं ना during these rainy season times, you have a few trees which get uprooted. तो आप देखो कि वो पेड़ तो uproot हो गया है, उसकी कुछ जड़ें जो है ना वो अभी भी जमीन पे हैं. और वो उसकी 70, 80 या 90% जड़ें जो है ना वो बाहर आ गई जमीन पे. फिर भी उसकी 10% जो जड़ें हैं ना वो जमीन के अंदर होती हैं और वो 10% रूट से ही वो सर्वाइव करने के लिए फाइट कर रहा होता है पेड़. वो लड़ता है, झगड़ता है अंदर से कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे आई हैव टू स्टे अलाइव. वो बड़ी जान लगाता है, हमें दिखता नहीं बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द ट्री, बट द ट्री इज पुटिंग इट्स फाइट टू सर्वाइव. वो परसिवियर कर रहा है उस मुश्किलात को, उस सिचुएशन को, उस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को, और अपने उस हल्के से वो रूट से अपने आप को जितना खींच सकता है खींचता है. आप देखो ना कभी कभी पेड़ काट देते हैं लोग, तो वो जो उसका मोटा तना होता है, द स्टेम ऑफ द ट्री इफ यू वुड टू सी, तो वहां से कहीं से एक हरी पत्ती निकलना चालू होती है. इट्स अ साइन ऑफ अ फाइट फॉर सर्वाइवल. वो एक जिंदगी की लड़ाई है जो वो पेड़ गिव अप नहीं करना चाहता. So if you were to see, life has always been about fighting and survive for survival. It has always been about perseverance. तो ये अगर हमने बात मन में डाल ली कि this is what life is all about, तो अगर पेड़ भी लड़ सकता है, अगर बाकी और प्राणी भी लड़ सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं? वो मैं बहुत पहले ना एक कहानी सुनाता था अपने बैच में about perseverance, about fight back, कि suppose by chance आप अपने उसमें गए बाथरूम में गए एंड दिस गोज टू ऑल द पीपल हु आर अ बिट स्केयर्ड अबाउट विद दी दीज हेरी क्रीचर्स, यू नो, जो हेरी लेग क्रीचर्स, जो कॉकरोचेस हो गए या ऐसे स्पीशीज हो गए, उनसे जिनको हल्का सा डर लगता है. सपोज आप बाथरूम में गए और वहां पर एक कॉकरोच आ गया आप पे टावल के अंदर से निकला, तो आपने टावल फेंका या झाड़ा और आप भागते हुए बाहर आ गए बाथरूम से, एंड यू आर आउट ऑफ द बाथरूम, यू आर आउट ऑफ टॉयलेट, एंड देयर यू आर प्रेइंग चले जाए. तो लेकिन आपको डर इतना है कि आप वो पूरे दिन भर नहीं जाते हो बाथरूम के अंदर, एंड यू यूज सम अदर टॉयलेट इन द हाउस, एंड बाय इवनिंग और बाय मॉर्निंग यू ओपन द डोर और आप डोर खोल के ऐसा देखते हो कि कॉकरोच है कि नहीं, और कहीं ना कहीं वो कॉकरोच पड़ा होता है एक कोने में, शायद उल्टा, बिकॉज वो शायद जब गिरता है तो पीठ के बल गिरता है, तो वो 7, 5, 6, 7, 8 घंटे जो है वो कॉकरोच पड़ा हुआ है उल्टा ऐसा. तो जैसे ही आप जाते हो तो आप देखते हो वो ऐसा हाथ पैर मारता है, उसके जो भी 5-6 पैर ऐसे ऐसे मारता है. तो वो कॉकरोच भी कह रहा है अपने उस छोटे से एग्जिस्टेंस से, वो कह रहा है हमें, यार आई नीड टू फाइट, आई विल फाइट फॉर माई सर्वाइवल. और मैं कब तक फाइट करूंगा, कब तक मैं सर्वाइवल के लिए लड़ूंगा, जब तक है जान. सो दैट इज देयर मेकअप, दैट इज द वे दे हैव बीन क्रिएटेड डिजाइंड, दैट दे आर डिजाइंड नॉट टू लूज, दे आर डिजाइंड टू जस्ट फाइट. दैट्स द वे द कॉकरोच हैज बीन डिजाइंड, दैट्स द वे एवरी स्पीशीज हैज बीन डिजाइंड. फॉरगेट अबाउट living species like cockroach. I'm saying even the blade of grass, अगर आप घास में भी ऐसा पैर रखते हो ना, कभी आप जाओ मॉर्निंग वॉक करने जाते हो, तो ऐसा जैसे ही पैर हटाओगे तो वो ग्रास जो है ना, वो ब्लेड ऑफ ग्रास चपटा होता है, फिर वो ऐसा बाउंस करना चाहता है. उसको भी वापस फाइट करने का एक होता है कि मुझे फाइट करना है. तो ये इनके डिजाइन में है, इट इज इनग्रेन्ड इनसाइड, इनके डीएनए में है, इनकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि दे हैव टू फाइट बैक, दे विल फाइट बैक. और ये फाइट बैक करना
ये परसीवेयर करना, ये खुद को बचा के रखना, खुद के सर्वाइवल के लिए लड़ना, जान लगा देना, ये इनके लिए स्वाभाविक है, ये इनके लिए नेचुरल है। ये कोई इसके लिए इनको पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही है कि कॉकरोच का क्लास लग रहा है भाई, सर्वाइवल क्लास, कॉकरोच बैठे हुए हैं, सारे बच्चे बच्चे बैठे हैं, वो पापा कॉकरोच बोल रहा है बच्चों को तू भी बैठ, तू भी सुन, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, देखो एक क्लास लगी हुई है। इट्स नॉट हैपनिंग, द ट्री इज नॉट गेटिंग एनी लेसन ऑन फाइट बैक, देयर इज नो फेसबुक लाइव टेलीकास्ट ऑफ लिसनिंग टू आवर सेशन ऑन परसिवियरेंस। इट इज अ पार्ट, इट इज इनबिल्ट, इट इज हैपनिंग फॉर देम। तो जब ये हर स्पीशीज के लिए है तो फिर हमारे लिए क्यों नहीं? हम तो सबसे इवॉल्व स्पीशीज हैं, हम तो सबसे बोलते ना डिजाइन में सबसे बढ़िया डिजाइन करे हुए स्पीशीज हैं, तो फिर हमारे लिए क्यों नहीं होगा ये कि हमें भी फाइट बैक का हमारे अंदर होना चाहिए मैकेनिज्म। बस प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो एक माइंड दिया गया है, एक मन दिया गया है, एक जिसमें सोच आ सकती है, जिसमें विचार आ सकते हैं, विचार मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, बस वहीं पर गड़बड़ हो गई। तो शायद ऊपर वाले ने हमें इनबिल्ट डिजाइन नहीं दिया है, उसने कहा तुम अपना दिमाग लगाओ ना, तुम अपना एक मैन्युफैक्चर करो ना अपना खुद का डिजाइन, और यहीं कहीं हम लोग चूक जाते हैं। तो मेरा आपसे कहने का तात्पर्य यह है दैट इफ बाय डिजाइन दीज क्रिएशंस आर देयर टू फाइट बैक, टू सर्वाइव, टू परसिवियर, टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस, सो हमें भी वो एलिमेंट है ना, हम भी तो उसी मिट्टी से, उसी हवा, उसी पानी से, इसी धरती से तो हम भी बने हैं जिससे वो बने, तो हमारे अंदर भी ये होगा। लेट अस यूज आवर माइंड टू एक्सेप्ट इट कि हम भी फाइट करेंगे, हम भी इससे आगे निकलेंगे। तो जो करंट सिचुएशन है हमारी जिसमें हम गुजर रहे हैं, तो इससे फाइट करने के लिए आई थिंक यू हैव टेल योरसेल्फ दैट फाइटिंग इज नेचुरल, इट इज ओके, वी विल फाइट बैक। तो इसके लिए कोई इंसान बड़ा फाइट बैक कर रहा है, हम उसकी कहानी सुनते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें लगता है यार क्या फाइट बैक किया उसने, हमने अपना लेवल इतना लो कर दिया है कि हमें फाइट बैक अभी लगता है बहुत भयंकर बात हो गई, जबकि फाइट बैक तो कोई भी प्राणी कर रहा है। तो आप सब ये सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, हम निकलेंगे अभी 3 दिन बाद या हफ्ता भर बाद या 15 दिन बाद, वी डोंट नो व्हेन द गवर्नमेंट्स विल ओपन अप द एंटायर लॉकडाउन। तो जब भी खुलेगा, जब भी मार्केट खुलेगी, हम लोग वापस काम पे लगेंगे, जी जान से लगेंगे, मेहनत करेंगे, डबल मेहनत करेंगे, कुछ लोग तो अभी भी ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, बट जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम और मेहनत करेंगे, और ये कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात नहीं है, दिस इज नेचुरल, दिस शुड बी नेचुरल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई देखो मैं फाइट बैक कर रहा हूं या वो इंसान फाइट बैक कर रहा है, ये बात ही नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। मैं अगेन आपसे बोलता हूं कि हम लोगों ने अपना लेवल इतना नीचे कर दिया है कि हमें फाइट बैक वाले लोग लगता है कि वाह वाह दिस इज ऑसम। आई टेल यू अ स्टोरी, यू मस्ट हैव हर्ड द स्टोरी, और जैसे हम मैंने आपको इतनी स्टोरी बताई पिछले 15-20 दिन के अंदर, तो वो कहानियां ऐसी नहीं कि आपने नहीं सुनी है, कहानियां आपने बार बार सुनी है, कहानियां आपने वही कहानी सुनी होगी किसी और से, किसी किताब में पढ़ी होगी, बट उस कहानी को फिर भी मैं बोलता हूं क्योंकि आई फील the context is different, the situation is different, और आप भी अलग हो ना, आप वैसे नहीं हो जब आपने पहली बार कहानी पढ़ी थी, शायद उस समय सब कुछ बढ़िया चल रहा था, शायद लाइफ में कोई चैलेंज नहीं था, शायद लाइफ में सब स्थिति बढ़िया चल रही थी, शादी नहीं हुई थी आपकी, तो आपने उस समय कहानी सुनी तो आपको उस समय अलग context आया होगा, अभी आप सुन रहे हो तो अभी context अलग है, अभी सिचुएशन अलग है, तो वही कहानी का इस समय अलग इम्पैक्ट होता है। दूसरा, आप भी वैसे नहीं हो जैसे आप पहले थे, आपकी मेच्योरिटी, आपकी सोच, आपकी समझ, और अभी आपकी मैच्योरिटी, आपकी सोच, आपकी समझ कहीं अलग लेवल पे होगी, तो शायद उसका कनेक्ट अलग होगा, आपके इमोशंस जो अभी हैं, जो पहले के इमोशंस थे, शायद अलग होंगे, इसलिए कहानी का इम्पैक्ट अलग होगा। इसलिए चाहे आपने सुनी हो कहानी, चाहे नहीं सुनी हो, कहानियों को फिर भी फ्रेश पर्सपेक्टिव से सुनना चाहिए, बिकॉज दे विल स्टिल गिव यू समथिंग विच यू मे नॉट हैव हैड इन द पास्ट। तो एक और कहानी है, ये भी आपने शायद सुनी होगी, और सुनी होगी तो फिर भी फ्रेश सुनना जैसे आप फ्रेश सुन रहे हो, और अगर नहीं सुनी होगी तो फिर फ्रेश तो ऐसी भी आपके लिए है। The stories of a person by the name of Eric Weinmeier. और ये कहानी ऐसी है कि this is a real story कि this person Eric this he was a boy, और जब वो 7 या 8 साल का था तो उसको एक बीमारी हुई, retinopsychosis, तो वो उसमें क्या हुआ कि उसका रेटिना जो है ना वो डिस्ट्रॉय होना चालू हो गया,
And doctors said that in a few years' time, iska ye retina kharab ho jayega aur iski eyesight chali jayegi. That's what doctors said. After a few years, he will become blind. Aur waise hi hua, by the time he was 13, 13 and a half, 14 years of age, Eric became blind. Wo bachcha jo dekh sakta tha, jo jiski zindagi normal thi, jo aur bachcho ke maafik khel sakta tha school mein, he was playing well, he was with his friends, and suddenly world came to a standstill because of all the senses we have with us, this is the most beautiful sense we have, the visual sense. Of all the organs which we have, which give us the inputs, 90% inputs go from this visual side called the eyesight. So, ye visual organ, uski aankhein kharab ho gayi and he became blind. So, imagine, ek to hai ki jo, God forbid, koi koi insaan pehle se, bachpan se, paida hote hi jo blind hai. To usne to kabhi dekha hi nahi ki, dekhna kya hota hai, what the world is like. एक है जिसने दुनिया देखी है और फिर उसके उसके हाथ से आप वो ले लो, उसके हाथ से आप वो चीज ले लो जो उसने आनंद जिसका आनंद उसने लिया है. इट्स अ बिग शॉक, इट्स अ बिग सेटबैक. तो ऐसा ये एरिक के साथ हुआ एंड देयर वाज ही वाज ब्लाइंड. तो एक नॉर्मल बच्चा होता है जो होगा तो मे बी ही विल गो इनटू डिप्रेशन, मे बी ही ऑफ कोर्स ही हैज अ राइट टू गो टू डिप्रेशन, ही विल बिकम disconnected from the world, he might wo logon se baat karna band kar de, wo doston se milna julna band kar de, because suddenly life has become so different for him. But Eric ne fight back kiya. Eric ne aisa haath pair mare jaise cockroach marta hai. Eric ne jaise wo ped ki jade hoti na andar, wo jadon ke hisab se usne apne aap ko andar rakha ki I'll fight, I'll survive. And then as he went on from his 13 to 15 to 18 to 20, he kept on building himself and he became the best wrestler in his school time. He even went for a state wrestling competition. He became a trekker. He went into kayaking. He went into mountaineering. He did skydiving. He did scuba diving. Usne sare kaam adventure wale kaam chalu ki. So he started fighting back. And a time came in the month of May 2001. Eric became the first person in the world. Listen to me carefully. He became the first person in the world who was blind and who climbed Mount Everest. The first person in the world who was blind and he climbed Mount Everest. तो देखो ना, एक fight back आदमी से क्या करा सकता है? एक fight back इंसान को कहां तक ले आ सकता है? And he did not even stop there. He did not stop there only on climbing Mount Everest. He went on to climb the seven, वो बोलते हैं seven summits किए, world के सात बड़े सबसे हाईएस्ट पीक्स को उसने क्लाइम किया. दिस इज व्हाट ही डिड. तो मेरा आपसे कहना है कि ये ऐसी कहानियां हैं, ऐसे लोग हैं हमारे आसपास जो अपने सिचुएशन से फाइट बैक कर रहे हैं, अपनी डाउनफॉल से फाइट बैक कर रहे हैं, अपने कमजोरियों के बावजूद भी फाइट बैक कर रहे हैं. एंड दैट इज नॉर्मल फॉर हिम. दैट्स व्हाट ही सेड एरिक इन हिज बुक. ही सेज नो बैरियर्स बोलते हैं वो. और वो कहते हैं कि मेरे लिए मुझे लगा नहीं, क्योंकि सारे लोग उनसे ये सवाल करते हैं हाउ डिड यू डू इट, आपने कैसे किया. और बोलते कि मतलब कैसे किया, मतलब इट जस्ट इज द वे ऑफ लिविंग फॉर मी, कोई मैंने अनोखा नई चीज नहीं कही. तो मैं आपसे फिर कहता हूं कि हमने अपना लेवल इतना नीचे किया हुआ है कि कोई इंसान अगर फाइट बैक करता है तो हमें लगता है यार क्या फाइट बैक कर रहा है. व्हाई डोंट वी से इट फॉर द कॉकरोच, व्हाई डोंट वी से इट फॉर दी ट्री, why don't we say it for everything in nature around us, jo fight back kar rahi hai, jo lad rahi hai. To kahin na kahin humne apne level ko hame uthana padega. So Eric did not stop there. That was 2001, then he did all the summits, all the seven summits in the world. Then he went on to do almost 400 kilometers of kayaking in the Colorado River. Wo pura grand canyons ko hote hue wo nikle, 400 kilometer ke aas pas ka unhone wo kayaking kari. I'm talking about a blind man. His senses of his hands, कि उन्होंने जब rock climbing करते थे तो लोग उनको देखते थे कि कैसे वो जो है he would hold on to the rocks, he knew where to hold on, where to how much weight that particular gap can take of his. When he would do climbing mountaineering, तो जब वो axe मारते थे बर्फ में तो उनके जो सारे colleagues थे वो बोलते थे कि उसको मालूम था कि axe की आवाज से his sense of hearing was so strong कि एक्स की आवाज से उनको समझ में आता था कि ये मेरा वेट ले पाएगी बर्फ की नहीं ले पाएगी. एंड दैट्स हाउ ही कुड क्लाइम माउंट एवरेस्ट. सो ये फाइट बैक करना एक स्वभाव है,
फीडबैक करना एक नेचर का एस्पेक्ट हो सकता है. तो ये सिचुएशंस, ये चैलेंजेस, ये अभी तो कोरोना के रूप में आया है, कभी किसी और रूप में आ सकता है. आज कोरोना जो है पूरे हर एस्पेक्ट को लेके आया है, तो हमारे साथ वो फिजिकल पेन भी लेके आया है, बिजनेस पेन भी लेके आया है, यू नो सोशल डिस्टेंसेस भी लेके आ गया इन टर्म्स ऑफ हम मिल नहीं पा रहे हैं लोगों से, अनसर्टेनिटी लेके आ गया है. तो इस सिचुएशन में अगर हम ये समझ लें कि नेचर इज ऑल अबाउट फाइट बैक, नेचर इज ऑल अबाउट नॉट गिविंग अप, नेचर इज ऑल अबाउट बींग बॉर्न टू विन, आई थिंक इट विल गिव अस ऑल द मोर क्लैरिटी, एनर्जी टू जस्ट कंटिन्यू आवर फाइट. एंड मैं आपको फिर भी उस ह्यूमिलिटी से आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम फाइट बैक करते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नेचुरल है, ये तो कॉकरोच भी कर रहा है. तो इसमें ऐसे ईगो लेने की भी बात नहीं है, देखा मैंने फाइट बैक किया, देखा मैं ऐसे था. हाँ, बहुत से लोगों ने अपना लेवल नीचे किया हुआ है तो उनको वो कहानियाँ बहुत बड़ी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, अनोखी लगती हैं, बट इट इज़ जस्ट नेचुरल टू फाइट बैक. सो दिस इज वॉट आई हैव टू टेल. Another story which is there, I'll share with you that story. But tell me, what is your understanding? If you can just type in a few things there and then let me know. आपने अभी तक मेरे इस बात से अभी तक क्या समझा? I'll take a pause for 5-10 seconds and I'd love to read your comments. Okay, what did you pick up in terms of अभी तक जो मैंने बोला है? तो मुझे मालूम पड़ेगा आप लोग सो नहीं रहे, आप लोग जागे हुए हैं और कोई खाना बनाने नहीं चले गया है, कोई बाथरूम नहीं चले गया. I would like to know whether you are there with me or not. और आपने पिकअप क्या किया है? चलो, लेट्स हैव अ क्विक फ्यू कमेंट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. हाँ जी, इज माय वॉइस ऑडिबल और नॉट? या देयर इज लॉट मच टू डू. सो मुकुदूत सेज देयर इज अ लॉट मच टू डू, बहुत कुछ करना बाकी रह गया है. उज्जवल सेज ओल्ड बिलीव्स विल नॉट take you to a new cheese. Wow, who moved my cheese? Fight back is just another thing. Wow, I love this. Never give up is what you were saying. Swati says, okay. So Rohan says, never give up. Vishal says, we should have a strong belief system. Fight back is what we do and for when survival is required. Shreya Salgar says, don't lower your self-esteem. Yes, make fight back your habit. Wow, I like this. I like this, Rahul. We have to come back with a lot of positivity. Life has been without yes, Dinesh says, not to put yourself down because of any situation. Yes, whatever situation, bounce back. Agreed. Fighting back or bouncing back is in life is natural. Yes, that is so very important, so very important. Audio is there. Thank you, Sandeep. Audio is there. We are designed to never give up. That's what we are designed to do. Wow. Wow. That's nice. Thank you so much for you being there and you kind of revising and repeating to yourself what you have listened from my side. You guys, the question says, adapt, change. The comments are going fast. Fighting back is natural. Accept it first. We need to keep alive and fight back whenever feeling negative. Yes, we are designed to fight back. I think that's a key takeaway for all of us. We're designed to fight back. And thank you, Sandeep. You says, I need a great lesson. Great. Anybody has any question which you like to ask me? I'll see if I can have a few questions which I can take care of right now. Never lose hope. Yes, true fighters. You can see the comments there, Rajna, from on your phone. Until and as you don't play the game, you will not know about it. Absolutely. Hello, sir. Hello, Saurabh. Survival of the fittest, that's the key. Life is all about go on and go on and on. Okay. Do you want to listen to one more story? Ek aur story hai, badi exciting story hai. Ha, uski picture bhi bani hai.
बचेंगे तो और लड़ेंगे. अरे बाबा चेतन नहीं बचेंगे यार, डोंट थिंक बचेंगे तो और लड़ेंगे. हम बिल्कुल बचेंगे और लड़ेंगे तो बचेंगे, ये समझो. बचेंगे तो लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे तो बचेंगे. सो दोज हु फाइट विल सर्वाइव. हेलो सर, राइट नाउ वी आर वर्किंग कस्टमर्स. यार मेरे क्वेश्चन ना बड़े बड़े दूर से निकल जा रहे हैं. अच्छा हाँ, सब लोग बोल रहे हैं हाँ हाँ एक कहानी और सुनाओ, मजा आता है कहानी सुनने में. और कहानियाँ हम कहानियाँ ही सुनेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ कहानियाँ सुनते रहेंगे लोगों की. ठीक है. चलो व्हाट टाइम इट इज, इट इज 12:40. चलो एक कहानी और फिर. एक ने बोला लाइफ अच्छी थी जब तक शादी हुई थी, आपने ये डायलॉग मारा. हाँ अच्छा, एक ने बोला कि लाइफ अच्छी थी जब तक शादी नहीं हुई थी. अरे बाबा ये तो मेरा तुम्हारा तरीका है तुम लोग को ना, जस्ट टू कीप यू ऑल अवेक. एक वो एक इंसान ने बोला कि आई नेवर न्यू व्हाट हैप्पीनेस वाज. ध्यान से सुनना है, ऑल मैरिड पीपल सुनना, वेदर बी यू नो मेन और विमेन, ऑल मैरिड पीपल लिसन टू दिस. तो एक इंसान ने बोला आई नेवर न्यू व्हाट हैप्पीनेस वाज टिल आई गॉट मैरिड, बट इट वाज टू लेट बाय देन. तो एक ने बोला कि साहब लाइफ अच्छी थी जब तक मैं शादी नहीं हुई थी, तो लाइफ अभी भी अच्छी है शादी के बाद भी. तो एक कहानी सुनो, चलो वन मोर कहानी एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट परसीवरेंस इज ऑल अबाउट, व्हाट ह्यूमन बींग्स कैन डू. ये जो हमने बात करी कि इट इज नेचुरल टू फाइट बैक, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट ह्यूमन बींग्स कैन डू. कि हम में इतनी काबिलियत है, इतनी क्षमता है कि वी आर एक्चुअली यूजिंग सो लिटल ऑफ आर पोटेंशियल. और हम उस चक्कर में क्या होता है, छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते हैं. So, ये तो समय है कहानी बनाने का. बिकॉज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग दैट वी ऑल लव स्टोरीज. तो क्यों ना अपनी कहानियां हो, क्यों ना अपने जिंदगी के कुछ एस्पेक्ट्स हों जो हम लोग लोगों को बता पाए, लोगों से शेयर कर पाए. तो एक और कहानी आपके लिए. ये कहानी एक पिक्चर बन चुकी है एंड यू शुड सी दिस मूवी. आई टेल यू द नेम लेटर ऑन, बट ये पिक्चर देखना आप. एंड आई हैव सीन द मूवी कपल ऑफ टाइम्स एंड देयर इज अ बुक ऑल्सो ऑन विच दिस इंटायर मूवी इज मेड. एंड बड़ी एक अच्छी इंस्पायरिंग सी बुक है, इंस्पायरिंग सी मूवी है. बुक तो मुझे नहीं मालूम आप लोग पढ़ोगे, बट पिक्चर जरूर देखना. और आजकल तो वैसे भी टाइम है तो लगाओ और पिक्चर को देखो. द स्टोरी इज ऑफ अ पर्सन बाय द नेम ऑफ स्लोवोमीर रविच. ही इज अ पोलिश आर्मी मैन, अ पोलिश सोल्जर और कैवलरी मैन है पोलिश आर्मी का. एंड ही वॉज कैप्चर्ड इन 1930s, लेट 30s में ही वॉज कैप्चर्ड बाय द रशियन आर्मी. तो रशियन आर्मी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि तू एक स्पाई है and you have been spying for the enemy and that's why you are there with us. To usse kaha tu sign kar, to confess kar that you were spying with us. So this is jab maine kiya nahi to main sign kyu karu. And as a result he was sent to bolte na kala pani. To wahan par they send these people who are spies to a place called Siberia, and all of us know where it is. It is up there up in north and a very difficult place. So usko capture kar liya gaya aur usko bhej diya gaya. So almost around 3000 miles of journey in a bullock cart and in different kind of transport vehicles he was sent. Aur 3000 kilometer ke baad wo gaya Siberia mein aur wahan se fir 1.5 mahine ka walk karte there was a camp called camp 303. Us camp mein usko le jaya gaya just below the Arctic circle. वहां पर वो उसको ले जाएगा. बहुत ठंड, बहुत ही डिफिकल्ट एनवायरनमेंट, हार्श एनवायरनमेंट. तो बहुत से लोग जिनको लेके वहां जाया गया, उसमें से जो बीमार थे, जो बूढ़े थे, जो वीक थे, वो मरते गए रास्ते में और उनको वहीं छोड़ते गए. एंड दैट्स हाउ द इंटायर कारवा जो है वो वहां पहुंचा. ये 25 साल के थे स्लोवोमीर रविश. तो ये सर्वाइव कर गए, थोड़ी बॉडी भी अच्छी थी, इम्यून सिस्टम भी अच्छा था. कनेक्ट कर पा रहे हो इसको आप आज की सिचुएशन में? इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वीक नहीं होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, बड़ा जरूरी है ये टू सर्वाइव. सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो ये सर्वाइव कर गए और कैंप में पहुंच गए. कैंप इज वेयर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सच प्रिजनर्स देयर इन द कैंप. तो पहले तो इन्होंने अपना गोल रखा कि यार मुझे ना सर्वाइव करना है, ये 25 साल में जिंदा रहना है. बिकॉज आई एम 25, एटलीस्ट बाय 50 आई शुड बी एबल टू गो बैक एंड मे बी सी माई फैमिली और एटलीस्ट सी द वर्ल्ड अगेन. फिर कुछ दिन निकाले तो इतनी इनह्यूमन कंडीशन थी वहाँ रहने की, लोग मर रहे हैं, खाने को नहीं है, ठंड है. तो उन्होंने कहा यार मरना तो है,
ये 25 साल सर्वाइव तो नहीं होने वाले, ये बात तो पक्की है। चाहे मैं कितना भी फिजिकली स्ट्रांग हूँ, टफ हूँ, ये तो मैं सर्वाइव होने वाला नहीं हूँ। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, लेट्स प्लान एन एस्केप फ्रॉम हियर। तो स्लोवमीर जो है ये प्लान बनाते हैं और ऐसा करके इनके साथ 6 लोग और जुड़ जाते हैं, एंड दे प्लान एन एस्केप फ्रॉम दैट प्रिजन कैंप ऑफ रशियंस। तो ये अपने बेयर हैंड से ये लोग बर्फ को खोदते हैं, टनल बनाते हैं। इट्स अ वेरी, आप मूवी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो बर्फ को खोद के अंदर से ये टनल से निकलते हैं, बाब फेंसेस होती हैं उसमें से इनकी बॉडी छिलती है, वहां से निकलते हैं। ऐसा 12-15 फीट की इनकी एक फेंस है, वुडन फेंस है, उसके ऊपर जंप करते हैं। दे डॉज द गार्ड, दे डॉज द डॉग्स, और ऐसा करके कैंप से भागते हैं। एंड दे हैड वेरी लिटिल रिसोर्सेज, इनफैक्ट नो रिसोर्सेज, दे हैड नो मैप्स, एंड दे हैड वेरी लिटिल फूड विच दे हैड सेव्ड फॉर द लास्ट 1 month। वो सूखी सूखी ब्रेड बचा के रखी थी इन्होंने, पानी नहीं था, शूज बड़े बेकार हालत में फटे हुए शूज थे। ऐसा करके ये उस कैंप से बाहर निकलते हैं। एंड दे स्लोवमीर को मालूम था कि द ओनली सेफ प्लेस फॉर देम वुड बी ब्रिटिश इंडिया, जो वहां से 4000 किलोमीटर दूर है। ब्रिटिश इंडिया वो ही सेफ जगह है, बाकी इफ ही वाज टू गो टू यूरोप ही विल बी अगेन कॉट। रशिया तो वैसे ही पूरा ही विल बी कॉट अगेन एंड हैंग्ड और किल्ड। सो ही सेज द ओनली वे टू बी सेफ इज टू गो टू ब्रिटिश इंडिया। और वो अपने उन 6 लोगों के साथ, ये टोटल 7 लोग मिलके दे डिसाइड टू कम टू इंडिया। एंड ये चलते हैं वहां से, आई एम टॉकिंग अबाउट, यू शुड सी द मूवी। तो शूज नहीं है, खाने को नहीं है, चले जा रहे हैं दिन में, हर दिन 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तय करते हैं। कभी कभी दिनों दिन पानी पीने को नहीं है, कभी कभी खाने को नहीं है, फॉर डेज एट अ स्ट्रेच। एंड एज दे मूव्ड ऑन, देन केम द गोबी डेजर्ट, रेगिस्तान आया और पानी की बड़ी दिक्कत हुई। एंड इन दैट डेजर्ट 2 पीपल, दे कुड नॉट वॉक, दे कुड नॉट मूव, एंड दे डाइड इन दैट गोबी डेजर्ट। सो अभी 7 में से 5 रह गए, और वो उन्होंने क्रॉस किया, बहुत मुश्किल के बाद वो क्रॉस किया। एंड देन दे केम टू दी मोस्ट फॉर्मिडेबल हिमालयन रेंज, तो हिमालयज आ गए, फिर हिमालयस क्रॉस करने थे फ्रॉम दैट साइड टू कम टू ब्रिटिश इंडिया। उसमें एक और इनका जो साथी था उसकी डेथ हो गई, और फिर भी ये फाइट करते रहे। तो वो अपनी बुक में लिखते हैं, जिसका नाम है द लॉन्ग वॉक, उसमें ये लिखते हैं, स्लोवमीर लिखते हैं कि हम में से कोई, मतलब जो 7 थे, 7 में से 3 तो चले गए, हम 4 रह गए, तो हम में से कोई भी अगर आप पूछते कि तू क्या चाहेगा, तू क्या चाहता है, तो हम बोलते कि हमें बस ऐसा लेटे रहने दो और हम लेट के आंखें बंद कर लें और मर जाएं, हम ये चाहते हैं। तो ये हालत थी हम लोगों की, लेकिन जैसे ही हमारे अंदर ये बात आती थी कि हम लेट जाएं और मर जाएं, तभी हम में से एक इंसान ऐसा क्रॉल करता था, ऐसा अपने घुटनों पे, हाथों पे चलता था, और उसको देख के हमारे अंदर एनर्जी आती थी, नहीं नहीं नहीं, अरे फाइट बैक करना है, अरे अभी तो फाइट बैक करना है, अरे अभी तो आगे और जाना है। ऐसा करके इन्होंने हिमालयंस को रेंज को क्रॉस किया और ये आए ब्रिटिश इंडिया में। एंड देन दे सॉ द ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडिया एंड दे सेड, हमने इससे बढ़िया साइट, इससे बढ़िया संत कोई दृश्य नहीं देखा जब हमने ब्रिटिश आर्मी को देखा। तो ये कहानी से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि ये किस हद तक इंसान फाइट करने को लग सकता है कि उसको मरना भी, वो कहता है यार अच्छा है, फाइट करना इतना मुश्किल होता है कि उसको मौत भी आसान लगती है, उसके बाद भी फाइट करता है। तो हम जिस चीज से गुजर रहे हैं वो कहां है इसके आगे कुछ, जो जिस चीज से एरिक वेनमेयर गुजरा उसके मुकाबले कहां है हमारी लाइफ, तो बहुत सुखी है, बहुत बढ़िया है। जिस चीज से स्लोवमीर गुजरा उसके मुकाबले लाइफ बहुत बढ़िया है। तो किस चीज की चिंता है, किस चीज का ऐसा हमें डर है, किस चीज से हमें परेशानी है? लाइफ इज स्टिल सो वंडरफुल बिकॉज वी कैन स्टिल फाइट बैक विदाउट हैविंग लॉस्ट मच। सिर्फ बिजनेस ही तो गया है, कुछ समय का तो हम लोग पीछे हुए हैं, एक आध साल ही तो जाएगा अपनी जिंदगी का, राइट? एक आध स्लोवमीर टुक 1 year टू क्रॉस दैट 4000 किलोमीटर्स, 1 साल लगा है, 365 दिन उनको लगे वहां से यहाँ आने में, इंडिया में आने में, 4000 किलोमीटर थ्रू ऑल दैट, नो मैप्स, सूरज को देखते रहे, सूरज को देख के दे जस्ट केप्ट ऑन वॉकिंग टूवर्ड्स इंडिया। तो मेरा आपसे ये सब कहानियों के माध्यम से एक ही कहना है कि लेट्स फाइट बैक वॉट एवर सिचुएशन यू आर इन। मैं आपकी सिचुएशन को सिर्फ समझ सकता हूँ, अगर आप किसी मुश्किलात में हैं, आप कोई परेशानी में हैं फाइनेंशियल हेल्थ वाइज, मैं सिर्फ समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपके बदले उसको जी नहीं सकता, वो आप ही को जीनी पड़ेगी आपकी सिचुएशन।
और मैं हर बार बोलता हूँ, यू कैन डू योर ओन लिविंग, नोबडी कैन डू योर लिविंग. वी ऑल हैव टू डू आवर ओन लिविंग एंड वी ऑल हैव टू डू आवर ओन डाइंग. हम सबको अपना जीना करना है और हम सबको अपना मरना करना है. तो हमने अपना जीना थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, हमें अपने जीने को थोड़ा अलग लेवल पे ले जाना पड़ेगा, सो दैट हमारे जीवन को देख के बहुत से लोग समझे कि यार ये तो सामान्य है, ये ऐसे ही होता है, ये तो ऐसे ही फाइट बैक होता है. तो जो लेवल आपका है आपके घर में, तो शायद आपके बच्चों का भी वैसा लेवल हो जाएगा और उनको उसमें कुछ बड़ी बात नहीं लगेगी, कहेंगे यार ये तो नॉर्मल है. अगर आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हो घर में और आपके बच्चे भी एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको नहीं लगेगा कोई बहुत बड़ी बात है, बहुत भयंकर बात है, उनको लगेगा ये तो नॉर्मल है. तो अगर आप फाइट बैक करते हो अच्छे ढंग से और अपने आप को खड़ा करते हो, जो आपको खड़ा करना पड़ेगा आफ्टर द लॉकडाउन इज ओवर, इवन राइट नाउ, तो आई थिंक योर फैमिली एंड पीपल अराउंड यू, योर टीम, जो भी आपके साथ हैं, वो सब ये कहेंगे ये तो नॉर्मल है यार फाइट बैक करना, इसमें कौन सी बड़ी बात है. सो लेट अ फाइट बैक्स बी जस्ट लाइक एनी अदर एक्शन. जिस तरह आप टूथब्रश सुबह सुबह करते हो ना, उसमें कोई बहुत भयंकर बात नहीं है कि आप उसको देख के बोलते हो देखो आज मैंने टूथपेस्ट किया. इन द सेम वे आज मैंने फाइट बैक किया, what's so big deal about it, what's so awesome about it. That's the way life should be for all of us, and I think that's what world is trying to tell us, teach us, nature shayad yehi hame sikhana cha rahi hai through this virus, through this situation, ki yaar fight back karo, koi itna kya ko tum log itna load bana ke baithe ho, hai fight back karo, nobody is making noise, no other creation is making noise about jo tumne unke sath kaand kiya. Itne sare janwaron ko tumne unke ghar se nikal diya, itne pedon ko kaat diya, itne जंगलों को सुखा दिया, नदियां तुमने खराब कर दी. Nobody was making noise, they were just silently fighting back. तो अभी तुम भी फाइट बैक करो साइलेंटली. सो एंड मेक अ ग्रेट वंडरफुल लाइफ फॉर yourself. That's what I feel through this. So कैसा रहा आज का ये सेशन आप लोगों के लिए, एंड लेट मी नो, मे बी आई कैन रीड अ फ्यू कमेंट्स. एंड द मूवी, आई थिंक द मूवीज नेम इज ऑल्सो द लॉन्ग वॉक. When somebody has suggested, is it Escape to Victory? No. Escape to Victory is different. That is a movie made on football, and where there were German camps, mein there were a few soldiers captured. Wo Escape to Victory wali hai. This is different. This is the long walk. Wo aap check karo, and you will see this movie there. And Nithi has a question. She wants to know that if somebody is far away from us, and how do we motivate them? कोई हमसे बहुत दूर, क्वेश्चन आया है देखिए कि somebody is far away from us और उसको हम कैसे मोटिवेट करें. अरे मेरा वीडियो दिखाओ ना. देखो जो आपको किसी को मोटिवेट करना है जो आपसे बहुत दूर है, तो मुझे लगता है दो तरीके हैं उसको मोटिवेट करने के इंसान से. एक तो उससे बात करके और एक उसको अपने कर्म बता के. तो आई थिंक यू शुड लिव अ वेरी हाईली मोटिवेटेड लाइफ, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ योर टॉक बट इन टर्म्स ऑफ योर एक्शंस. अगर आपके एक्शंस बड़े अच्छे हैं, आप क्या कर रहे हो, अपने दिनचर्या कैसे निभा रहे हो, आप अपने आप को कैसे संभाल के रख रहे हो, कैसे आप हाई रख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, अगर ये आपके पास है और आप कर रहे हो, तो उससे वो इंसान इंस्पायर हो जाएगा, बिकॉज यू हैव योर ओन स्टोरी टू टेल. सेकेंड इज कम्युनिकेट अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू फील ही और शी कैन डू. डोंट गिव ज्ञान, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू बी सीन एज अ ज्ञानी. बहुत से लोग क्या करते हैं, वो ज्ञान देना चालू करते हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज्ञान देना बेकार है, क्योंकि मैं भी आपको ज्ञान दे रहा हूँ. तो ज्ञान देना का मतलब है कि क्या आप उनकी नज़रों में वो गुरु हैं, क्या आप उनकी नज़रों में वो मास्टर हैं जिनका ज्ञान वो सुनना चाहेंगे. नहीं है शायद, आप उनकी नज़रों में आप पति हैं, आप पत्नी हैं, आप बाप हैं, आप माँ हैं, आप बेटे हैं. तो वो आपको वैसे ही देखते हैं. दे डोंट सी यू एज अ गुरु, दे डोंट सी यू एज अ पर्सन हु हैज लॉट ऑफ नॉलेज. जैसे तू अपनी जिंदगी जी ले बहुत है ना, तो हमें मत ज्ञान बांट सुबह सुबह. सो ये बोलते ना सुनारने का, जो कान छेदने होते हैं फिर वो क्या है डायलॉग, वो मराठी में बोलते ना हम लोग कि क्या कान, वो आई एम मिसिंग ऑन द वर्ड्स. हाँ, जो कोई लिख देगा तो अच्छी बात होगी. हाँ, तो जिसका काम उसी को साजे. तो शायद आप जो है उसकी नज़रों में नहीं होंगे वो ज्ञान के देवता. तो ज्ञान निकाल से मत दीजिए, अपने एक्शन दीजिए. और दूसरा, उसको एक्शन करने को लगा सकते हैं कि आप एक्शन याला करो ना, आप ऐसा करो ना. डोंट गिव ज्ञान, टेल द एक्शन. और अगर उसके बाद भी काम नहीं बन रहा है, तो फिर हम लोग हैं ना, हमारे साथ हमारे पास भेजो ना, हमारे वीडियोस भेजो. आई थिंक दैट विल मेक मोर सेंस. अभी कल ही मुझे एक मैसेज आया फ्रॉम वन ऑफ द क्रिसेलियंस. वो बोलता है कि सर मे माई वाइफ शी हैज़ जस्ट हर्ड यू ऑन वीडियोज फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स, बिकॉज अभी शादी हुई हमारी एक दो महीने पहले. एंड अभी वो मुझे बोलती है कि
ये जो भी तू बात करता है अभी मुझे समझ में आया कि तेरा सोर्स कहाँ से है. तो वो कह रहा है कि मेरी 2 महीने से मेरी बात नहीं मानती थी, अभी वो आपका सुन के वही करती है जो मैं कहता था, लेकिन मेरी बात नहीं मानती थी लेकिन आपकी बात मानती है, जबकि मैं वही बोलता हूँ जो आप बोलते थे. तो मैंने उसको लिखा, मैं कहा राजा तू उसकी नज़रों में हस्बैंड है, तो तू हस्बैंड बना है, तू उसकी नज़रों में उसका गुरु नहीं बना है, दैट इज़ ओनली डिफरेंस, और बातें तो वही हैं. तो मे बी आई थिंक दैट्स इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस इट विल मेक सेंस. बहुत सारे लोगों ने लिखा है अरे वाह थैंक यू सुनार ही कान टूट जावे. हाँ, अरे थैंक यू सो मच फॉर द वो मेरा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी बोलते बोलते. हाँ जी, और कुछ है सवाल? नहीं कोई सवाल नहीं है. हाँ, सो हाउ वाज द टुडे सेशन, मुझे बताओ सही कैसा है सर. दैट इज एक प्रशांत ने लिखा, प्रशांत ने लिखा to watch and listen to you. Then Prashant saw Lihas, saw Sunar ki Nandini Dhoot is saying grateful for the learnings. Yashlo Ravid saying sir we will do our living back. Adbhut kahani aur adbhut year 2020. Are wah thank you so much. Very good insights of fight back. I will speak. Then Pallavi Dhoot is there. Then we have it was good sir thank you so much. संजय से मुझे मराठी ने सुना रचे कान तो अरे भयंकर माय गॉड एक तो दूर से दिख नहीं रहा है. एंड देन वी हैव प्रशांत थैंक यू सो मच, अमोल थैंक यू, चेतन हिम्मत आ गई सर अरे वाह तुम लोग लिखते हो तो मुझे हिम्मत आ जाती है, थैंक यू सो मच चेतन बहुत बढ़िया, थैंक यू एवरीबॉडी. एंड सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कमेंट्स एंड योर फीडबैक एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग आई थिंक टुगेदर. आप अपनी लड़ाई लड़िए, मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा और हम एक दूसरे के लिए खड़े रहें और एक दूसरे के काम आए इस समय में और एक दूसरे का हौसला अफजाई, एक दूसरे का हौसला बनाते रहें. दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड एट दिस टाइम ऑफ द ईयर एंड टुगेदर आई एम श्योर टुगेदर वी विल एंड टुगेदर वी शैल हैंडल द सिचुएशन इन द बेस्ट पॉसिबल वे और हम ग्रेसफुली हैंडल करेंगे ये सिचुएशन को. मतलब ऐसा रड़ाइसा ना ही रो रो के हैंडल नहीं करेंगे, सही बोली ना मराठी मैंने. तो ये ऐसा रो रो के हैंडल नहीं करेंगे, एकदम ग्रेसफुली एकदम ऐसे योद्धा के माफिक हैंडल करेंगे सिचुएशन को, क्योंकि फाइट करना ये आज हमने समझा कि वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, इट्स बाय डिज़ाइन वी आर ऑल फाइटर्स. सो जब हमें दबाया जाएगा हम बाउंस बैक करेंगे, हम परसीवर करेंगे, हम लड़ेंगे, वापस आएंगे और ये कोई आन बान शान की बात नहीं है, ये एक स्वाभाविक नेचुरल बात है. सो स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी. वुड लव टू कनेक्ट विद यू अगेन नेक्स्ट वीक. फिर आपको नेक्स्ट वीक में हम मिलेंगे, मैं फिर वापस आऊँगा टू एड्रेस यू ऑल. मे बी उस समय सिचुएशन क्या होगी, फिर नया कुछ सब्जेक्ट होगा, देखेंगे निकालूंगा आपके लिए. और तब तक मेरे यूट्यूब के वीडियोज़ हैं वो देखते रहिए, वेबिनार्स होंगे वो आपको मालूम पड़ जाएगा. वेबिनार्स हैं, आई एम टेकिंग अ वेबिनार ऑन 13th फॉर ऑल द टीम मेम्बर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कि टीम को कैसे एक्साइटेड रखें, कैसे मोटिवेटेड रखें. तो अगर आपको लगता है कि आपकी टीम मेम्बर्स ने वो अटेंड करना चाहिए कि उन्होंने कैसे दे हैव टू स्टे रेलिवेंट, टीम को इस समय रेलिवेंट रहना पड़ेगा, टीम को एम्प्लॉयबल रहना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन है. अगर आपको लगता है कि आपकी टीम को ये बात समझ में आ जाए या आप समझा नहीं पा रहे हैं या फिर आप चाहते हो कि मैं समझाऊं आपकी टीम को, तो आप उस आपकी टीम मेंबर को उस वेबिनार में रजिस्टर कर सकते हैं. एंड दिस इज नॉट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज फॉर एंटरप्रेन्योर्स अलॉन्ग विद टीम मेंबर्स. तो आपके लिए नहीं है, आपकी टीम मेंबर्स के लिए है. आप रहोगे तो अच्छी बात है लेकिन आपकी टीम के लिए है वो. सो वो पूरा कॉन्सेप्ट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग देम स्टे रिलेवेंट इन टुडेज टाइम. नहीं तो बहुत से लोगों को मुश्किल होने वाली है जब लॉकडाउन खुलेगा, क्योंकि सब एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, काम करने के तरीके चेंज हो रहे हैं, सोच बदल रही है. तो क्या आपकी टीम रेडी है उस चीज़ के लिए, और ऐसा ना हो कि उनके लिए आपके यहाँ काम करना मुश्किल हो जाए क्योंकि आप बदल चुके होंगे, आपका माहौल बदल चुका होगा, आपके कस्टमर बदल चुके होंगे लेकिन आपकी टीम नहीं बदली होगी तो बड़ी दिक्कत जाएगी. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अलाइन द टीम टू टुडेज सिनेरियो. तो अगर आपको लगता है उसमें आना चाहिए, so please feel free to be there in that, right? The movie name is The Way Back. The movie's name is The Way Back. I'm sorry. Thank you so much for helping us in this. So jo movie hai, the long walk ka jo movie bana hai, The Way Back. So movie dekhega, it's a very inspiring movie. Aur ye sab faltu cheeze dekhna band karo, Netflix pe achhi cheeze dekha karo. See lot of documentaries, see lot of great lives, unki biographies dekhiye, ऐसी मूवीज़ देखिए. तो बाकी क्या करोगे, देखिए बाकी एक्टर्स की ज़िंदगी में क्या चल रहा है,
और पिक्चर क्या बन रही है. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल पुट अ लॉट ऑफ स्टफ. यू डिसाइड व्हाट हैज टू बी सीन फ्रॉम योर साइड. ठीक है जी, आज के लिए विदा मांगे. एंड Vidisha has already sent the link for that, for the webinar, so you can register yourself for that, your team members for that, and stay alive, stay blessed, stay excited, aur fir milte hain aapko through YouTube and through other platforms on a regular basis. Love you all. Namaste.